सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू ब्रोटोमोटिव। आज हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा नया स्टोर है विच इज़ गोइंग टू बी ब्रोटोमोटिव का ऑटो बॉडी शॉप। तो अंदर आप जितनी भी गाड़ियाँ अभी देखेंगे उन सब पे ऑलमोस्ट फुल पेंट का काम है। हम अभी आपको डिटेल टूर नहीं दे सकते, रीज़न बींग यहाँ पर थोड़ा अभी काम चल रहा है, बट डिटेल टूर भी यूट्यूब पर बहुत जल्दी पोस्ट किया जाएगा। बट आज स्पेशली जो प्रोजेक्ट हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, दैट प्रोजेक्ट इज़ गोइंग टू बी दिस ब्यूटिफुल टोयोटा इनोवा टाइप 1 टू टाइप 4 कन्वर्जन। सो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स और इस पर क्या क्या काम होने वाला है, लेट्स टेक अ लुक एट द बिफोर शॉट्स ऑफ द कार। हे गाइस, मैं हूं परीक्षित और वीडियो के कुछ डिटेल्स मैं भी आपको दूंगा। अभी हम हाईलाइट करके दिखाएंगे आपको वो पार्ट्स जो कि हमने इस गाड़ी पर रिप्लेस किए हैं इसको टाइप 1 से टाइप 4 कन्वर्ट करने के लिए। तो इस गाड़ी के बिफोर शॉट्स तो आपने देख ही लिए, बट इस गाड़ी में थोड़ा और भी कुछ स्पेशल होने वाला है। इसके सिर्फ एक्सटीरियर्स नहीं, एक्चुअली इंटीरियर्स भी चेंज करने वाले हैं। तो इसका हर एक पार्ट जो आप डैशबोर्ड पे अभी देखेंगे वो सारे पार्ट्स खुल के रीपेंट होंगे इन अ डिफरेंट कलर स्कीम। अब विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द होल प्रोसेस एंड वेलकम टू ब्रोटोमोटिव। अब इस गाड़ी के टाइप कन्वर्जन में जो पैनल रिप्लेसमेंट के ऑप्शन चूज़ किए हैं उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पर आप टोयोटा के ऑथराइज पार्ट्स खरीद सकते हैं या फिर आप आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी डाल सकते हैं। कॉस्टिंग में डेफिनेटली फ़र्क आता है और सिमिलरली क्वालिटी में भी 19-20 का फ़र्क आता है। इनकी कॉस्ट आपको 45,000 से लेके 75,000 के बीच में रेंज करती है। इस गाड़ी पर जो पार्ट्स यूज़ हुए हैं वो इम्पोर्टेड क्वालिटी के पार्ट्स थे और ये हमने कस्टमर के रिक्वेस्ट पे यही पार्ट्स यूज़ किए हैं। अपने अकॉर्डिंगली पार्ट्स चूज़ करने की वजह से आप अपनी गाड़ी का रिस्टोरेशन का बजट डिसाइड कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के ओवरऑल कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करना भूलिएगा मत। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इस गाड़ी को हम टाइप 1 टू टाइप 4 कन्वर्जन करने के लिए सामने के जो पूरे पैनल्स हैं इंक्लूडिंग दोनों फेंडर, सामने का बॉनेट, हेडलाइट्स, ग्रिल और सामने का बम्पर, ये सब चेंज करने पड़ते हैं। तो नए पार्ट्स को बिठाने के लिए ये जो ब्रैकेट्स और इनकी फिटिंग्स रहती है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने वेल्ड करी हैं, इनको वापस से हमें फैब्रिकेट करना पड़ता है नए पैनल्स के हिसाब से। तो पुराने पैनल्स की फिटिंग्स छोड़ के अब ये नए फैब्रिकेटेड फिटिंग्स के ऊपर हमारे नए पैनल्स बैठेंगे और हमने आगे के पैनल्स जो हैं आप देख रहे हैं जैसे हमने बिठा के देखे हैं, सेम प्रोसेस अब पीछे के साथ भी रिपीट किया जाएगा। तो अब चलिए वो प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे कि अभी तक आपने शॉट्स में देखा, गाड़ी के जो भी पैनल्स चेंज होने, जो भी पार्ट्स चेंज होने, हमने गाड़ी पे बिठा के देखे, उसके हिसाब से जैसे जैसे चेंजेस ज़रूरत पड़ी हमने वो भी करी और अभी इन पैनल्स की अलाइनमेंट का भी काम पूरा हो चुका है। तो अभी हमने जो भी आप ये मार्किंग्स देख रहे हैं ये सारे माइनर डेंट्स एंड एंडुलेशंस हैं, गाड़ी पे सारे मार्क करें इस तरफ उस तरफ, इवन नए पैनल्स पे भी ट्रांसपोर्ट के वक्त और लगाते वक्त जो है डेंट्स आ जाते हैं। तो इन डेंट्स को अब बनाएंगे, इनके ऊपर पुट्टी वर्क किया जाएगा और फिर सैंडिंग का काम होगा, तो वो अब आगे के वीडियो में आप देखेंगे। अब
अभी जो इक्विपमेंट आप यूज करते हुए देख रहे हैं वो है एंगल डाई ग्राइंडर। कभी कभी पैनल पर रेगुलर ग्राइंडर भी यूज करना पड़ता है, बट एंगल डाई ग्राइंडर यूज करने का फायदा ये है कि एक तो ये पेंट पे ज्यादा गैशेज नहीं छोड़ता, काफी स्मूथ ग्राइंडिंग करता है, और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि ये ज्यादा स्पार्क्स नहीं पैदा करता। तो गाड़ी के डेंट्स निकालने के लिए हमने डेंट पुलर का यूज़ किया है। इससे डेंट्स निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, पीछे के साइड से हैमरिंग भी नहीं करना पड़ता, बाहरी बाहर डेंट रिमूव हो जाता है और ओवरऑल काफ़ी क्लीन काम हो जाता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हम इंटीरियर भी पेंट करने वाले हैं, तो अब हम गाड़ी का पूरा इंटीरियर खोल लेंगे और उसके बाद हम एक्सटीरियर बेस वर्क का प्रोसेस शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पर हम गाड़ी पर पुट्टी फिलिंग करने वाले हैं, पर उससे पहले हम गाड़ी का सारा पेंट डल कर लेंगे 180 ग्रिट का सैंड पेपर रोटरी सैंडर पर यूज करके। पुट्टी फिलिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम जब पुट्टी को सैंड कर रहे हैं तो हम 80 ग्रिट एंड 180 ग्रिट का राउंड डिस्क पैड एज वेल एज फाइल शीट यूज कर रहे हैं सैंडिंग के लिए। और ये जो ब्लैक कलर का पाउडर है, ये ड्राई गाइड कोट है। जहाँ जहाँ पर हमने पुट्टी फिलिंग की है उस एरिया पे हम ये सारा ड्राई गाइड कोट अप्लाई कर देंगे। जब हम सर्फेस को अच्छे से सैंड कर लेंगे, कहीं भी अप्स एंड डाउन रहेंगे तो जहाँ भी डाउन सेक्शन रहेगा वहाँ पर ड्राई गाइड कोट रह जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर और फिलिंग करने की ज़रूरत है लेवल लाने के लिए, और इससे बॉडी को एक अच्छा शेप मिल पाएगा। अगर आप एक स्मॉल बॉडी शॉप के ओनर हैं और ड्राई गाइड कोट आपके लिए एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर आप कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। न्यूमैटिक सैंडिंग से जहाँ पर काम फटाफट हो जाता है और इनिशियल सैंडिंग के लिए अच्छा है, फाइल शीट का पेपर और हैंड ब्लॉक सैंडिंग से हमको प्रॉपर फील आता है कि पैनल का शेप कैसा है, प्रॉपर शेप आया है कि नहीं, कहीं अनइवन टोन तो नहीं है, और हमें अगर और ज़्यादा सैंडिंग करने की ज़रूरत है तो वो भी हमें पता चल जाता है।
प्राइमर का प्रोसेस शुरू होने से पहले हम गाड़ी को अच्छे से डिग्रीस कर लेंगे और आगे की डिटेल्स आपको राघव देगा। तो गाड़ी का मेजर बॉडी वर्क हो चुका है, जहाँ जहाँ पे फैब्रिकेशन का काम था वो भी गाड़ी का हो गया है। गाड़ी पे पुट्टी फिलिंग करके उनको सैंडिंग करके प्रॉपर पैनल्स को लेवल दिया गया है। अभी नेक्स्ट स्टेज होगा इस पे प्राइमर का, उसके लिए मास्किंग कर दिया हमने पूरी गाड़ी को, विंडशील्ड टायर्स का एरिया, सामने का एरिया पूरा मास्किंग हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट शॉट जो आप देखेंगे विल बी द प्रोसेस ऑफ प्राइमर। प्राइमर में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने न्यूज़पेपर का यूज़ किया मास्किंग करने के लिए। वहाँ पर ऐसा चलता है क्योंकि हम गाड़ी को एनीवेज वापस से पूरा सैंड करने वाले हैं, तो जो भी डस्ट न्यूज़पेपर के अंदर रहता है बिकॉज वो रद्दी है वो वापस कट हो जाएगा। बट जब हम बेस कोट का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम गाड़ी को सैंड नहीं कर सकते, तो इसके लिए नया ब्राउन मास्किंग पेपर यूज़ करना रिकमेंडेड रहता है। इससे गाड़ी में डस्ट आने का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है और ये ओवरऑल गाड़ी की फिनिश भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पुट्टी सैंडिंग में हम 80 और 180 ग्रिट सैंडिंग करते हैं, वैसे ही प्राइमर सैंडिंग में हम 320 ग्रिट, 400 ग्रिट, 500 ग्रिट एंड 600 ग्रिट पेपर से अच्छे से सैंड कर लेते हैं ताकि प्राइमर को एक इवन टोन आ जाए। और जब हम बेस कोट का एप्लीकेशन करें तो प्राइमर में ऑरेंज पील कम से कम हो ताकि बेस कोट का फिनिश ओवरऑल बहुत अच्छा आए। और जैसा कि आपने देखा प्राइमर से पहले हमने डिग्रीस किया था, वैसे ही पेंट से पहले भी हम टैक क्लॉथ यूज करके गाड़ी को अच्छे से डिग्रीस कर लेंगे। इस गाड़ी पर जो बेस कोट एंड क्लियर कोट हमने यूज किया है वो ए ग्रेड क्वालिटी का है। अब अलग अलग ब्रांड्स के ए ग्रेड में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे BASF का ग्लासोरेट है, डुपॉन्ट का सेंटारी और स्टैंडॉक्स है, एक्जल्टा में क्रोमैक्स है और PPG में 2K है। वहीं पर इन सभी ब्रांड्स के बी ग्रेड प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे PPG में बाइलक्स है, एक्जल्टा में डुक्सॉन है और ग्लासोरेट में नेसन है। तो आप जब भी गाड़ी का पेंट कराएं इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर दीजिए कि गाड़ी पर ए ग्रेड प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं या बी ग्रेड प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि गाड़ी के ओवरऑल पेंट लाइफ में इनका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट रहता है। ए ग्रेड प्रोडक्ट्स की एवरेज लाइफ 5 से 15 साल तक जा सकती है और बी ग्रेड प्रोडक्ट्स की लाइफ 1 साल से 3 साल की एवरेज में रहती है। ए ग्रेड के प्रोडक्ट्स यूजुअली क्लियर कोट येलो भी नहीं पड़ता, जहां पर बी ग्रेड के प्रोडक्ट्स जल्दी येलो पड़ जाते हैं।
गाड़ी के आउटर बॉडी का बेस कोट एंड क्लियर कोट तो कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इंटीरियर पेंटिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी गाड़ी के सारे इंटरनल ट्रिम्स और पार्ट्स खोलने की, जो कि हमने पहले ही खोल दिए हैं। गाड़ी का जो इंटीरियर कलर हम चूज कर रहे हैं वो है ब्लैक एंड टैन थीम में। इंटीरियर लेदर के साथ प्लास्टिक पैनल्स के कलर में ज़्यादा डिफरेंस ना आए, उसके लिए हमने गाड़ी पर स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया। ये मशीन कलर को रीड करके उसका कॉम्बिनेशन दे देती है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है कलर बनाना। अब लेदर पे जैसा टोन दिखेगा टैन का, वैसा प्लास्टिक ट्रिम्स पे थोड़ा डिफरेंट ऑब्वियसली दिखता है, क्योंकि लेदर जो है वो डाइड है और प्लास्टिक जो है वो पेंटेड है, बट स्पेक्ट्रोमीटर इनके बीच का डिफरेंस मिनिमल कर देता है। इंटीरियर पार्ट्स पेंटिंग करने से पहले भी वही प्रोसेस रिपीट करना है जो हमें एक्सटीरियर में रिपीट करना है, तो यहाँ पर हम प्राइमर का यूज़ भी करेंगे, पर उससे पहले अच्छे से सारे पैनल्स क्लीन कर लेने ज़रूरी हैं ताकि प्राइमर भी क्रैक ना करे और साथ ही साथ पेंट भी क्रैक ना करे। पैनल्स क्लीन नहीं होंगे तो पेंट अच्छे तरीके से नहीं बैठेगा। इंटीरियर पेंट करने के लिए हमने यूज़ किया है टैन बेस कोट का। अब बेस कोट चाहे ग्लॉसी क्लियर कोट के साथ हो या मैट क्लियर के साथ हो, सेम ही रहता है। फिनिश करने के लिए हमने यूज़ किया है मैट क्लियर कोट, क्योंकि अगर इंटीरियर ट्रिम्स ग्लॉसी रहेंगे तो ये रिफ्लेक्ट भी कर सकती हैं, जो ड्राइविंग के टाइम में प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखा जाए कि इंटीरियर जब भी पेंट किया जाए हमेशा मैट क्लियर कोट के साथ किया जाए, ताकि वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सर्फेस ना क्रिएट करे। इंटीरियर पार्ट्स पेंट करते हुए हम ना तो पुट्टी का यूज़ कर सकते हैं और ना ही इन्हें ज़्यादा सैंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी फिलर्स यूज़ करेंगे तो जो नेचुरल ट्रिम का डिज़ाइन है या जो उसमें पैटर्न्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि पेंट करने के बाद जो भी स्क्रैचेज आपके पैनल्स पर पहले से थे वो बाद में भी रहेंगे। गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर एंड इंटीरियर थीम को ध्यान में रखते हुए हमने गाड़ी के व्हील्स को ग्लॉस ब्लैक में पेंट किया है और इसके कैलिपर एंड ड्रम्स को लाइट ऑरेंज शेड में पेंट किया है। तो गाड़ी का पूरा पेंटिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से अच्छे पेंट बूथ पे भी पेंट करने के बाद गाड़ी पर थोड़ा बहुत डस्ट आ ही जाता है, स्पेशली इंडिया की एनवायरमेंटल कंडीशंस में, क्योंकि हमारे यहाँ पर डस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो अब हम कर लेंगे गाड़ी को अच्छे से सैंड, और सैंडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम करेंगे गाड़ी को अच्छे से कंपाउंड एंड पॉलिश। एक बार ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको गाड़ी के फाइनल शॉट्स दिखाएंगे।
ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हेल्प करेगा हमारा चैनल और आगे ग्रो करने के लिए, ताकि हम आपको और अच्छा कॉन्टेंट आगे दिखा पाएँ। आज जो आपने वीडियो में गाड़ी देखी है, ये इनोवा टाइप 2 टू टाइप 4 कन्वर्जन किया है। और एक्चुअली जो कलर आप इस गाड़ी पे देख रहे हैं, ये मिनी कूपर का मेल्टिंग सिल्वर कलर है जो हमने अपने कस्टमर को रेकमेंड किया था। और आप देख सकते हैं कि कलर की फिनिश कितनी एकदम स्पेक्टेकुलर आई है, बहुत ही अमेजिंग ग्लॉस है, बहुत अमेजिंग लग रहा है कलर। इनोवा में जो ग्रे कलर का OEM फिनिश पेंट आता है उससे थोड़ा डिफरेंट है, तो आप देखने वालों को भी बहुत एक्साइटिंग लगेगा। इसके साथ में हमने अपने व्हील्स जो हैं गाड़ी के, वो ग्लॉस ब्लैक में लिए हैं, जो कि इस चीज़ को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी थोड़ा एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर लेने के लिए कैलिपर्स और ड्रम्स को हमने ऑरेंज कलर में किया है। इंटीरियर भी सेम इसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लैक एंड टैन कलर में लिया है, जो कि आपने इस पूरे वीडियो में प्रोसेस में देखा है। डायमंड पैटर्न स्टिचिंग में हमने सीट कवर्स का डिज़ाइन किया, और साथ ही साथ आपको डोर पैड्स में भी सेम ही डिज़ाइन फ्लो होता हुआ दिखेगा। सेंटर कॉन्सोल टैन कलर में लेके डैशबोर्ड का लोअर पोर्शन टैन लिया है, अपर पोर्शन ब्लैक लिया है, और वो सेम कलर स्कीम पूरे डोर पैड्स में भी कंटिन्यू होती है। ABC पिलर्स ब्लैक, रूफ ब्लैक, एवरीथिंग हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड। फ्लोर लैमिनेशन भी हमने इस गाड़ी में चेंज किया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि पहले जो रेड कलर के हाईलाइट्स थे कार में, हमने उनको अभी ब्राउन कलर के वुड फिनिश में लिया, नेचुरल वुड फिनिश में, और ग्लॉस फिनिश में लिया उनको। तो बहुत ही इंटीरियर बहुत होलसम लग रहा है, सब एक दूसरे को चीज़ें जो हैं सपोर्ट कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये काम अच्छा लगा होगा।
अगर आपको अपनी गाड़ी में भी सेम काम कराना हो या कुछ अलग आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं अपनी गाड़ी के लिए, तो हमसे शेयर ज़रूर करिए, हमें रीच करिए हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ हमारा चैनल ज़रूर शेयर करिए। अगर आपकी नज़र में कोई है जो ऐसा अच्छा काम कराना चाहता है तो हमें रीच करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। हम पुणे में बेस्ड हैं, डेंटिंग पेंटिंग सेरामिक कोटिंग विनाइल रैपिंग एंड पेंट प्रोडक्शन फिल्म रिगार्डिंग जो भी आपकी गाड़ियों पे काम है आप हमें रीच कर सकते हैं और हम आपको उसके लिए मदद कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू ब्रोटोमोटिव। पूरे वीडियो में हमने आपको दिखाया कि इस गाड़ी का पूरा काम हमने कैसे किया है, टाइप 2 टू टाइप 4 कन्वर्जन, फुल गाड़ी का कलर चेंज और फुल इंटीरियर चेंज किया है। ये हमारे कस्टमर है मिस्टर उमर, इन्होंने हमारा वीडियो देख के हमें ये काम देने का मौका दिया है, तो आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका हमारे साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये गाड़ी उनको कैसे लगी। तो उमर जी, आपको अपनी गाड़ी कैसी लगी, आपको काम कैसा लगा हमारा? हाय, पहले तो आपका काम जो है एक नंबर है, आपके काम के बारे में कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मेरी गाड़ी आप देखेंगे वीडियो में, पहले टाइप 1 थी, तो टाइप 1 में आप देखेंगे वीडियो में गाड़ी का हालत क्या था। तो मैंने जैसा ब्रोटोमोटिव देखा यूट्यूब पे चैनल, इनका चैनल मेरे को बहुत अच्छा लगा यूट्यूब पे, तो मैंने उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ जो देखी, जो उनका पेंट का जो काम है वो एकदम ए नंबर क्वालिटी का है। तो मैंने वो देख के मेरी गाड़ी जो है इनके पास ला दिए, तो पूरा टाइप 1 टू टाइप 4 इन्होंने जैसे मैं दिल चाहा वैसा किया है। तो उमर जी, क्या आप अपने फ्रेंड्स को और कलीग्स को हमारा काम रेकमेंड करेंगे? जी जी, ज़रूर करेंगे, ऐसा एक नंबर क्वालिटी वाला काम है। मैं अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, सबको बताऊंगा कि जिधर भी गाड़ी कुछ करवाना है, रिपेंट वगैरह कुछ भी, तो ब्रोटोमोटिव चैनल देखिए, इनका काम का क्वालिटी एक नंबर है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा और सर का रिव्यू भी आपको पसंद आया हो। इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।